जीते व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटा सा फजूल सा मैसेज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। के व्लॉग के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट के अंदर जो कि हमने बनाया है उसमें पता नहीं कैसे करके ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। जनता माफ नहीं करेगी, वजह पता नहीं है, तो आप उसे देखें। तो आपने ये नहीं देखना कि लिपसिंग कहाँ जा रही है और आवाज़ कहाँ जा रही है, क्योंकि दोबारा से उसकी डबिंग करनी पड़ी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। मेहनत करनी पड़ी है, क्या कनेक्ट करनी पड़ती है। तो सारी इसके अंदर भी सारी जो जिसका ये कसूर है, जिसकी वजह से डबिंग नहीं हुई सही तरह से, वो अब खाने के बाद मेकअप उतारने पे जोर दे रही है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी दीदी। इनकी वजह से आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, पता नहीं उन्होंने क्या सिस्टम ऑन किया हुआ था। अब उसकी दोबारा से फिर थोड़ी सी आवाज़ पीछे से डाली है। क्या बोला तूने? ओ मेरा मत समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मतलब है कि रिकॉर्ड की है डाली गया, बाकी का सारा सही है, बस थोड़ा सा पार्ट इस तरह का। तो आई होप यू एंजॉय, तो स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारे पाकिस्तानियों के पास माशाल्लाह एक ऐसी खूबी पाई जाती है, जिधर काम आधे घंटे का वहाँ आपको 5 मिनट का कह के ऐसे मुतमईन करते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने अभी पहुँच जाना है, अभी कह के गए हैं तो फौरन आ जाएंगे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। यहाँ खड़े हुए हमें तकरीबन कोई हो गए हैं आधा घंटा ही हो गया, लेकिन वो भाई साहब इधर से उधर ही घूमने जा रहे हैं। पर पिज़्ज़ा ऑटोमेटिक लगाया सिस्टम पर कि खुद रेडी होकर पहुँच जाएगा। वो तो बता जो तेरे साथ मजे की बात आपको बताते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बेचारे ने इतनी मजे की, मैं बताती हूँ, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, इतनी मेहनत की, व्लॉग बनाते हैं नाना, शुरू हुआ है ये और उसके बाद पता चला कि उसके ऊपर सॉन्ग लगा हुआ था, इसकी वॉइस सीन देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, सारी मेहनत बेकार गई बच्चे। कोई नहीं, उसके पास भी हमारे पास भी तरीके हैं। अल्फाज कहीं जा रहे होंगे, डबिंग कहीं जा रही होगी, लेकिन कोई नहीं, गुजारा करने में आपकी और अल्फाज आपके किधर होंगे, लिपसिंग कहाँ होगी, वही बात। बहरहाल दुख हुआ मुझे चंदू साहब आपका, इब्राहिम साहब। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कोई बात नहीं होता रहता है। दराज के बाद वो भाई साहब हमें पिज्जा देके चले गए हैं जो कि ये पड़ा हुआ है। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए क्या, क्योंकि हमारे सिवा रोड पे और कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये फैसलाबाद के हाल है, लाहौर लाहौर ही है। सुल्तान देखें, हॉरर मूवी यहाँ पे बन सकती है पूरी की पूरी, कितना सुल्तान मस्त है जी। तो फाइनली हम होटल पहुँच गए हैं, पार्किंग में खड़े हैं, यहाँ से ऊपर जाना है अपने, यहीं पे बैठना है। चल उठा चीजें, मैं उठाऊँ सारी, ठीक है बुला लिया जी। तो मैं ये ऊपर जा रहा हूँ, वो नीचे ज़रा रिसेप्शन पे होटल वालों से थोड़ी सी बातचीत कर रही हूँ। आवाज़ मेरी इस तरह आ रही है क्योंकि मैंने बहुत सामान पकड़ा हुआ है। तो बाकी आपको रूम में जाके बताते हैं, एक चीज़ चेक करो ज़रा, देखो ज़रा इधर लाइट लगा दी है, तो यहाँ लाइट नहीं लगाई। वाओ ब्यूटीफुल, ऐसी बात है। बाकी आपको रूम में जाके आके दिखाते हैं, क्योंकि क्लियर ना हो कि मैं कहीं इधर से डिगूं तो मेरे दांत बन जाए, इसलिए डोंट यूज मोबाइल वाइल वाइल सीढ़ियां चढ़ते हुए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसलिए रूम में जाके आपको करते हैं, क्या करते हैं मतलब के जो भी यहाँ के पता लगा कि रूम की चाबियां तो मेरे पास है नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना ऊपर आने के बाद
अब मुझे याद आ रहा है कि चाबियां मेरे पास नहीं है, चाबियां रह गई हैं नाना के पास जो अभी तक आई नहीं। अब यहाँ नीचे बैठने के अलावा कोई और काम नहीं है, यहाँ बैठ के वेट करते हैं। आपने मुझे चाबियां नहीं देनी थी, मैं ओखे सोखे ऊपर पहुंचा, ऊपर आके मुझे पता लगा कि मेरे पास चाबियां ही नहीं है। कैसा लगा आपको इतनी सीढ़ियां चढ़ के? बहुत बुरा, इसलिए मैं यहाँ से चेकआउट करने लगी। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छी बात है, मैं भी इसी आदमी को यहाँ से चेकआउट कर दी। आज खुल जाएगा? शुक्र है पहुंच गए। क्या ना दिखा के कमरे की हालत क्या हुई पड़ी है? कुछ भी नहीं, सही है, ओके है, बस कंडीशन सही है। सबसे पहले तो करेंगे मेन, घर में करते हुए इंसान को डर लगता है लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलेगा पूरे 16 के ऊपर एंड पे। आएंगे जिंदगी के मजे। कल का आपको सीन बताऊं, क्योंकि कल तो व्लॉग बनाने थके हुए भी थे, शो के बाद यहाँ पे पहुंचे तो इसी बड़े शौक से चलाया। कुछ देर बाद नाना के ये दासो रात थे कि उनको ठंड के मारे कांप रही थी। ऐसे ऐसे तो सारे कांपते हैं, आपने कौन सा मुख्तलिफ तरीके से बताया? मुझे यकीन की ये चीज़ समझ नहीं आई कि इन्होंने रूम के दोनों बेड के सामने शीशा लगा दिए ताकि रात को बंदा सो के उठे तो अपनी शक्ल देख के डर जाए। अचानक ध्यान पड़ने से डर ही जाएंगे माशाल्लाह। ऊपर से जो सिचुएशन ये है कि इस पिज़्ज़े के साथ इन्होंने सिर्फ ये 2 से 3 पैकेट दिए हैं सॉस के, उन्होंने इस टाइम यहाँ पे नहीं है, वो वॉशरूम गई हुई है, तो मेरा इरादा ये हो रहा है क्योंकि बगैर कैचअप के तो इंसान पिज़्ज़ा खा ही नहीं सकता। वो मैं ये कह रहा था कि बगैर कैचअप के हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो वॉशरूम से बाहर आ गई, प्लान कैंसिल। इसका इंतज़ार कर रही हूँ अब है? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, वॉशरूम गई थी काफ़ी देर से, तो मैंने कहा कि मैं इसको हाथ ना ही लगाऊँ तो बेहतर है। क्या हुआ? एक साथ दिया उन्होंने, जहरी बात है, तो इतने बड़े पिज़्ज़े के साथ उन्होंने एक ही देना, ऊपर ये ऊपर भी तो डाली हुई है ना उन्होंने, ये देखो ना। वो ये आप तो अब खाने का टाइम हो गया, ये खाने के टाइम इनको कॉल करना याद आता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हाँ जी। क्या होटल वाले भी हिस्सा मांग रहे हैं? जी तो सेकंड टाइम इस तरह हुआ कि हम खाना बैठे हैं। यार एक तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि अल्फाज में उल्टे सीधे क्यों अदा कर रहा हूँ, खाना खाने बैठे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो नीचे रिसेप्शन से कॉल आ गई, आज भी ऐसे ही हुआ, उन्हें को हमने खा ली। क्या कह रहे थे? अच्छा, उन्हें को हमने खा लिया पहले, ये तो अब हम फाइनली खाने लगे हैं। उनका स्पेशल पिज़्ज़ा था लेकिन हमें इसमें कुछ स्पेशल नज़र नहीं आ रहा, वैसे का वैसा ही है। ये आपका है? सिर्फ यही है?
क्या? और ये बाकी ये तो बस यही अच्छा है इंसान को, वैसे जितने कम खानी चाहिए। आपको पता है फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए हमें कम ही खाना चाहिए। क्या मैं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? पिज्जा खाने का बहुत ही आराम वाला तरीका। सही पकड़े हैं। वैसे मैं आपको बता रहा था कि ये चीजें हमें खानी चाहिए। बस कर दे बेटा। नहीं मैं उसमें कैमरे में दिखा रहा था बेटा, एक ही ठीक है। तो ये चीजें हमें कम नहीं खानी चाहिए। तो व्लॉग के साथ साथ आपके फायदे की बात बतानी थी। ये जो है ना, इसमें एक अलग चीज है, और इसके ऊपर अपनी स्पेशल सी सॉस भी एक डाली हुई है जिसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। मैं खुद से अपने से इसको टेस्ट करके आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। इनका नाम है इट्स पिज़्ज़ा टाइम। ये फैसलाबाद में ही है, तो आप फैसलाबाद आएँ या फैसलाबाद में रहते हैं तो इनका पिज़्ज़ा ज़रूर खाएँ। अच्छा हमको सिखा रही है, क्योंकि इनकी ये जो सॉस है ना, ये सच में बहुत ही अच्छी है बाकी सबसे। तेरी माँ भी बहुत अच्छी लगती है। लोग बन रहे, दो मिनट तो रिस्पेक्ट दे दो। मेरे से नहीं मिल सकती बेटा तुम लोगों को रिस्पेक्ट। कम से कम टिश्यू तो छोड़ दो, वो भी अपने तकिए के नीचे देके रख दिए। क्या बढ़िया था गुरु। ये हाथ साफ करने के लिए दिया था उन्होंने, जैसे कि ऐसे मैंने किया। तुसी वो भी तकिए दे थले रख दे। पिज्जा खाने के बाद ये बोतल पीने के बाद अब वो देखें वहां खड़ी चाय मंगवा रही है। शाबाश बेटा, बहुत क्या ऑर्डर किया अब आपने? मैंने चाय। बोतल नहीं पी? फिर ये कौन पी गया? मैंने ऐसे चखी थी। अच्छा ये कल भी आपने चखने का कह के बोतल पूरी रख के तो इतनी बचा दी थी। ये भी चखी थी ना? इसमें मेरे ना सिर के पास, इसमें मेरे सिर के पास में बोतल रखी थी, मैं थोड़ी थोड़ी करके पीती गई। तू ना रख, मुझे तो पता है तू झूठ के खाने पीने की आदत है, तो तू क्यों रखता है मेरे पास ऐसी चीजें जो मेरे लिए नुकसानदेह है। मारो मुझे, ये भी मेरा कसूर है कि बोतल मैंने रखी और इन्होंने पी ली है। तो तुझे किसने कहा तू मेरे पास रख बोतलें? मैंने थोड़ी रखी है, मैंने तो अपने बेड के पास रखी थी। मुझे तो ये समझ नहीं वहां से यहाँ पे कैसे आ गई है। जी तो खाने के बाद, ड्रामे के बाद अब सुकून तक पहुँच चुके हैं। वो एसी भी चल रहा है, हम भी बैठे हैं, अब सोने का इरादा कर रहे हैं। अब सोने लगे हैं क्योंकि नाना ने तो सोना नहीं है। उन्होंने अपने सोने के लिए थोड़ी जागने सारा सामान पहले से बीच में रख लिया, क्योंकि उनकी आदत है, मैंने आपको पहले ही बताया था खाने की उनकी आदत है। एक मिनट, आप किससे बात कर रही? इतनी मशक्कत कर रही, आप इतनी मेहनत करके किससे बात कर रही हो यहाँ पे फोन? अच्छा कहाँ खा रहे हो इस टाइम, इतनी लेट खाना खा रहे हो? कि वैसे वो भी इस टाइम ही खाना खाते हैं, क्योंकि ये भी इस टाइम खाना खाती है वीडियो कॉल चला के सामने। मुझे रिसेप्शन पे कॉल करने के लिए कौन सा नंबर मिलाते हैं? अच्छा खा ले, खा के कर लेगी जी मैं शादा अल्लाह यार की होगी। मैं तो व्लॉग का एंड कर चुका था कि सुबह से दोबारा से स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से छोड़ा था, लेकिन मुझे यहीं पर इसका इंटरवल करना पड़ना है, क्योंकि मैं सो चुका था उसी टाइम दरवाज़ा खड़कता है और भाई साहब पता है क्या लेके हाजिर होते हैं। ये लेके
वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो भी सुबह के तकरीबन कोई 3:19 पे। बड़े हरामी हो बेटा। मंगवाने वाले हजरात ये बैठे हैं, क्या सोच के वैसे, क्या आपके आपके जहन में क्या आया कि इस टाइम चाय मैं पीऊं उठ के? अबे साले कभी मैंने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या बात है वैसे, ये तो अपनी नींद उड़ाते हुए ये चाय पीते हुए व्लॉग कहीं पे करते हैं। एंड कल से न्यू व्लॉग बनेगा, न्यू टॉपिक के ऊपर, न्यू बातें के ऊपर, न्यू चवलों के ऊपर, न्यू मेरी बिस्ती होते हुए देखेंगे आप। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करें। कुछ हमारी चवलें ना पसंद आई तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।